वालेकुम रहमतुल्लाहि व हूँ मैं यूट्यूब फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ आमीन सुम्मा आमीन नमाज़ पढ़ा कीजिएगा नमाज हम पर फ़र्ज है अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर स्किप मत कीजिएगा चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन सबसे पहले मैं तारा की बड़ी बहन जो सऊदीया में रहती हैं उनको मुबारकबाद दूंगी मेकअप ट्यूटोरियल पर वेल डन सिस्टर बहुत अच्छा काम आप कर रही है आप धीरे धीरे जो है ना आप खुलकर सामने आ रही है मीन सही रूप रंग आपका सामने आ रहा है अगर आप नकाब करती तो ये सब मेकअप ट्यूटोरियल कैसे देती नकाब के साथ तो ये सब नहीं कर सकती थी तभी तो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि आप दोनों सेम हों मतलब दोनों बहनें सेम हो मगर लोग नाराज़ हो जाते हैं खफा हो जाते हैं मानते ही नहीं हैं कहते हैं नहीं उनके बारे में क्यों बोला आपने जब मैं कहती हूँ कि दोनों सिस्टर की आदतें बहुत मिलती है एक दूसरे से अगर गौर से देखा जाए तो अब दिल में अगर सिर्फ़ एक के लिए नफरत पैदा कर लें हम लोग कि नहीं यही इंसान सिर्फ बुरा है यही बुरा है यही बुरा है सर से पाँव तक यही गंदी है फिर तो इंसान को वही बुरा दिखेगा अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रल रह देखें ना तो हमें नज़र आएगा दोनों का अक्स दोनों का शेडो नज़र आएगा कि दोनों की आदतें कितनी मिलती जुलती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि तारा अच्छी है या बुरी है तो इनकी बहन और ये भी अच्छी है या फरिश्ता है है तो तारा की बहन मतलब यह है कि दोनों हैं तो सगी बहनें हम दोनों को अलग अलग नहीं सोच सकते एक ही खून है एक ही माँ बाप की पैदाइश है तो दोनों की आदतें भी सेम ही होंगी और सेम है अगर आप लोग आँख खोल कर देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग के सामने आप लोग को नज़र आएगा कि ये लोग जो चीज़ें वो करती है वही चीज़ें ये करती है इससे पहले आप लोगों ने इनको देखा मेकअप ट्यूटोरियल देते हुए कभी सामने आकर नहीं दिया ना अब तारा देती है तो इन्होंने भी शुरू कर दिया अब ये जो तारा है वो तो तेरह साल की जब मोहब्बत की कहानी लेकर आई थी उससे पहले से ही मेकअप ट्यूटोरियल देती थी टिकटॉक में भी गाने वाने करती थी मतलब वो शुरू से ही बेनकाब है उसने कभी पर्दा किया ही नहीं है अब आपने मेकअप ट्यूटोरियल तो स्टार्ट कर दिया कब तारा की तरह गाने पर शॉर्ट वीडियोस पर एक्टिंग करेंगी उस टाइम का इंतज़ार है मुझे वैसे है शॉर्ट वीडियो में आपका गाने वाने डाले में एक्टिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत तो आप कर ही लेती है हाँ किया है, किया सॉरी मैं तो भूल गई थी जब नैना आई थी तब कोई शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने बनाया था उसमें आप भी गाना वाना गा रही थी अपने मुंह से एक्टिंग वगैरह कर रही थी अच्छा सॉरी हाँ शॉर्ट वीडियो में आपने किया है लेकिन इतना ज़्यादा खुलकर नहीं किया है तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपकी शॉर्ट वीडियोस में आप गाने वाने भी गाया करेंगी हमेशा एक बात सुनती थी मैं कि जो छोटी बहनें हैं ना वो बड़ी बहनों से चीज़ें सीखती है लेकिन अब मुझे पता चला ये बात गलत है ऐसा नहीं होता है बड़ी बहनें भी छोटी बहनों से चीज़ें सीखती है और उनको कॉपी करके वो ख़ुद भी वो सब चीज़ें करती है आपने ये चीज़ बताया कि आप भी तारा को देख के जो जो वो करती है आप भी वो सब चीज़ें करने की कोशिश करती है झूला झूलना हस्बैंड के साथ मतलब हंसी मज़ाक बातें वरना आपकी वीडियोस में ये सब चीज़ें कभी हमने देखा नहीं था स्टार्टिंग से मतलब जब तारा का कहानी आप नहीं लेकर आई थी उससे पहले भी आपके हस्बैंड के साथ इस तरह हंसना बोलना बातें कुछ आप नहीं दिखाती थी लेकिन आप, आप काफ़ी खुल कर दिखाती हो जैसे तारा खुल कर दिखाती है चीज़ें तो आप भी दिखाने लगी हो अभी मेरा ही एग्जांपल ले ले मैं आती नहीं हूँ यूट्यूब में सिर्फ वॉइस ओवर करती हूँ सामने नहीं आती हूँ नकाब में भी रेयरली कभी मैं शायद आई हूँ वरना नहीं आती हूँ अगर मैं एकदम से नकाब उतार के मेकअप करके हंसी मजाक हर चीज़ करना शुरू कर दूँ ओपनली आकर हंसूँ बूलूँ बातें करूँ चलो हिजाब करके भी आऊँ फिर भी आकर इतना ओपनली बातें करूँ मेरे पीछे भी लोग बातें करेंगे तो देखें जो चीज़ें आप लोग दिखाते हो हरकतें करते हो तो हमारा काम है रिएक्शन देना हम रिएक्शन देंगे किसी को बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए इन बातों पर मेरे दिल में आपकी एक अलग इज्जत थी कि मतलब आप एक दीनदार खातून हैं लोग भी कहते हैं और मुझे भी लगता था कि आप बहुत ज़्यादा दीनदार हैं हर कुछ दिन में उमरा करने जाती है फैमिली के साथ माशा आपका ये सब मेकअप करके यूट्यूब में गैर महरम के सामने आना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप नकब करती थी और इस्लाम में भी ये सब मना है आई एम श्योर आपको इन बातों का इल्म नॉलेज होगा कि इस्लाम में औरत को इस इस्लाम में इस तरह गैर महरमों के सामने आना मेकअप करना मेकअप ट्यूटोरियल देना ये सब मना है आप सऊदीया में रहती हैं ना तो आपको तो इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको ज़्यादा पता होना चाहिए इन बातों का तारा के ऊपर मैंने रिएक्शन स्टार्ट इसीलिए ही किया था क्योंकि तारा पर्दा नहीं करती है बेपर्दा हरकतें करती है उम्रा करके आने के बाद भी तारा उस तरह नहीं रहती है जिस तरह अल्लाह का हुक्म है बन सवर के यूट्यूब में आती है गैर महरम के सामने आती है दिखाती है शो ऑफ करती है यही चीज़ें सौदिया में जब तारा थी उस टाइम से लेकर अभी तक मुझे इसका सबसे बुरा ये सब चीज़ें लगता है जो ये मेकअप कर कर के आती है और शो ऑफ करती है बाकी जो उसके करेक्टर पर बात करते हैं करेक्टर एसिन करते हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है जो चीज़ मैंने आंखों से देखा या आंखों से देखती हूँ उसी पर मैं बात करूँगी बाकी किसी को गंदा करना किसी के करेक्टर पर इल्ज़ाम लगाना मेरा काम नहीं है अगर कोई गुनाह कर रहा है तो अल्लाह सजा देगा आपके हस्बैंड का एक वीडियो था शुरू शुरू में आया था तब उन्होंने कहा था कि आपको पहले से शौक़ था कि नकाब उतारना है और आपने आखिर वही किया उतार दिया एक बहाने से वैसे आप लोग एक दूसरे को कॉपी किए बिना कुछ कर ही नहीं सकते हो तारा पहले आयु आयु करती थी अब अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी दी है मलक अब आप सारा दिन मलक मलक करती रहती हो और मेरे लाल मेरे लाल करती हो जैसे तारा अपने बेटे को मेरा शहजादा और पत्नी क्या क्या बोलती रहती है मतलब आप दोनों बहनें बस यही करती हो एक दूसरे की कॉपी उसके बाद आपके सुसर जी और आपके वालदा जब कराची गए थे तो तारा हर टाइम उनको अपने ब्लॉग में दिखाती थी मतलब डेली रूटीन था उसका कि उनको दिखाती थी, थी ज़रूर तो अब आप वही काम कर रही हो आजकल आपके सुसर जी अगर आपके ब्लॉग में नहीं आए तो आपको लगता है कि आपका ब्लॉग ही अधूरा है तारा जैसे आपके सुसर जी को और आपकी वालदा को दिखा दिखा कर व्यूज़ लेती थी और बड़ी अच्छी स्वीट एंड क्यूट बनती थी तो वही काम तो अब आप, आपने शुरू कर दिया है डेली हर ब्लॉग में अपने ससुर जी को ले लेती हो कभी मास्क वाले ब्लॉग में कभी खाने के चैलेंज पर इससे पहले भी तो आपके ससुर जी आपके साथ थे ना आपने कभी उनको क्यों नहीं दिखाया क्यों छुपा के रखा हुआ था अब आप ये कहोगे तारा ने कहा था ये बात मेरी समझ नहीं आती है इस घर में तारा बड़ी है या आप बड़ी है सऊदिया में आप रहती हो तारा कराची में रहती हो तारा आपको जो कहती है आप वही करती हो आप आ जाएंगे आपके सपोर्टर्स ये कहने के लिए तारा ने उनको ये कहा था तारा ने कहा था ये झूठ बोलो तारा ने कहा था वो झूठ बोलो अरे भाई कोई अगर मुझे कोई गलत बात करेगा तो मैं क्यों मानूं जब मुझे फ़ायदा होगा तभी मैं मानूंगी ना तो ये जो बड़ी बहन है कोई छोटी बच्ची नहीं है दूध पीती बच्ची नहीं है कि तारा ने उनको कहा और इन्होंने कर दिया इनको भी अपना फ़ायदा दिखा होगा तभी इन्होंने इस बात को माना और अपने ससुर को छुपा के रखा अगर आप लोग कहते हो कि तारा ने बोला था छुपाने के लिए उस बात पर मैं बोल रही हूँ तो आप लोग ये कहना चाहते हो कि बड़ी बहन जो है सांस लेने से पहले तारा से पूछती है, मतलब ब्रीथ करने से पहले तारा से परमिशन लेती है कि मैं अभी सांस लूँ या ना लूँ मेरे ख़्याल से बड़ी बहन इतनी एज की तो है कि इनको पता है क्या सही है क्या गलत है अगर उसने मना भी किया था ये क्यों मानी ये सब चीज़ें कहती कि नहीं मेरा ससुर है मैं तो इनको दिखाऊंगी मैं क्यों छुपाऊं और क्या तारा ने उनको ये बात सिखाया था कि कह दो कि हाँ मेरे ससुर तो ज़िंदा ही नहीं अल्लाह के पास चले गए ये बात कितने ज़्यादा लोगों ने सौ लोगों ने मुझे बोला कि इसने ये बात अपनी वीडियो में अपने ब्लॉग में कहा था अभी वो हाइड कर दिया कि मेरे ससुर ज़िंदा नहीं है अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पहले एक ज़िंदा इंसान को मरा हुआ कहना अपने मतलब के लिए और आज उसी इंसान को अपने हर ब्लॉग में दिखाना क्योंकि इस टाइम इनको दिखाकर आपको फ़ायदा हो रहा है इतने मतलब के हो आप लोग हर टाइम अपने फ़ायदे का ना सोचकर बड़े बुज़ुर्ग ख़ास करके माँ बाप सुसर इनकी इज़्ज़त किया करें इनको इस्तेमाल ना करें आप लोग अपने व्यूज़ के लिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए हर बात के लिए एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल सही बात नहीं है जब हम तालियां बजाते हैं ना तो दोनों हाथ को मिलाकर तालियां बजाते हैं एक हाथ से तालियां नहीं बजती है क्लैपिंग जब आप लोग करते हो तो दोनों पाम को मिलाते हो जॉइन करते हो तब जाकर क्लैपिंग की आवाज़ आती है अगर एक ही पाम से करोगे तो क्लैपिंग नहीं हो सकती है उसी तरह एक बुरी दूसरी फरिश्ता ऐसा कुछ नहीं होता है सब ने अपने अपने फ़ायदे के लिए किया जो भी किया और आज तक जो भी कर रहे हैं जहाँ भी उनको फ़ायदा दिख रहा है वो लोग वही चीज़ें कर रहे हैं जो लोग बूढ़े बुजुर्ग लोग को इस्तेमाल करते अपने फ़ायदे के लिए अपने मकसद के लिए उन लोगों की नीयत अच्छी हो ही नहीं सकती है ना वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं एक और बात मुझे काफ़ी टाइम से कहना था लेकिन आप लोगों की वजह से क्योंकि आप लोग इंसान को रोक देते हो इंसान अपनी दिल की बात कह नहीं पाता है लेकिन यहाँ दीन की थोड़ी सी बात हो रही है तो मैं यहाँ कह दूँ कि जिस तरह तमन्ना सर पे दुपट्टा लेती है सेम तारा की तरह तारा तो खैर पहले दिन से ही वो नहीं लेती है दुपट्टा उम्रा करके आकर भी उसने दुपट्टा सर पे नहीं डाला ढंग से ये तो कुछ टाइम हो रहा है कुछ महीने हो रहा है दुपट्टा ले रही है लेकिन अभी वो अपने माँ बाप की निगरानी में तो चाहिए था बड़ी बहन को अपनी बेटी को सिखाए कि दुपट्टा जो है पूरा सर पर लिया जाता है आधे सर पर बाल दिखाकर दुपट्टा नहीं रखा जाता है वो फैशन हो जाता है फिर ऐसे दुपट्टा जो है ना उतरने में टाइम भी नहीं लगता है दुपट्टा लेना है हिजाब की तरह तो सही ढंग से लो नहीं लेना है तो फिर उतार दो खैर जो बातें भी मैंने यहाँ किया है अपनी समझ के हिसाब से अच्छा किया है किसी के करेक्टर पर बात नहीं किया है कुछ नहीं किया लेकिन हाँ जो पर्दा और हिजाब की बातें होती है और जो नेक औरतों का काम है वो ये चीज़ें नहीं है कि मेकअप करके मैं दुनिया को दिखाऊं ट्यूटोरियल दें ये करूँ वो करूँ उससे पहले भी तुम सलमा ये सब नहीं देती थी तो अब भी अगर नहीं दे तो सही है बेहतर है ये सब चीज़ें करने का क्या मतलब हो गया सिर्फ वही बात मैं करूंगी जिसे तारा को मैं करती हूँ यहाँ सिर्फ़ औरतें हमें नहीं देखती मेकअप करके जब हम YouTube में बैठते हैं और दिखाते हैं यहाँ गैर महरम बहुत ज़्यादा देखते हैं हमें सलमा एक मेकअप आर्टिस्ट है तारा भी एक मेकअप आर्टिस्ट है लेकिन तारा पर्दा नहीं करती थी सलमा को हमने नकाब में देखा हमें उसी रूप में वो पसंद थी हमें ये रूप उसका नहीं पसंद आ रहा आ रहा होगा लोगों को लोगों को बहुत प्यार आ रहा होगा नूर दिख रहा होगा चेहरे में मुझे ना तो नूर दिख रहा है ना कुछ मुझे नकाब में ही नूर दिख रहा था बस तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कुछ चीज़ें सबके सामने बताई कि दोनों बहनें दोनों बहनें इनको इतना अलग अलग बनाकर मत सोचो कि एक ऐसी है वह कैसी है इनकी आदतें इनकी सोच मिलती है एक दूसरे से रिश्ता है इनका आपस में आप लोग इनको बदल नहीं सकते हो कि नहीं बिल्कुल एक दूसरे से अलग है ऐसा नहीं होता है भाई बहनों में बहुत सारी चीज़ें सेम होती है यूट्यूब में डॉलर कमाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं लड़ाई दिखा रहे हैं झगड़ा दिखा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सच में ही एक दूसरे की दुश्मन है या आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा चल रही है ऑफ कैमरा इनका सब कुछ ठीक है सेट है तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा नहीं, नहीं 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 अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगा होगा मैं श्योर हूँ कि आज का वीडियो आप में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा चले फिर भी देख लीजिएगा सुन लीजिएगा हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में बात क्लिक कर जाए आज पढ़ा कीजिएगा नमाज़ हम पर फ़र्ज है चलती हो दुआ में याद रखिएगा ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़